फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपने घर पे क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप जो है किसी भी तरह का डाउट्स हो किसी भी वीडियो को देखने पे हमारे चैनल पे, तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और हम लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का एलजेब्रा पोर्शन का आपका क्या चैप्टर, दैट इज आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है, है ना? पॉलिनोमियल बोलते किसको हैं? तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके थे, व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा इजी वे में चलते हैं इसको स्टूडेंट्स, बाद में डेफिनेशन इसका देखेंगे। तो हम लोग का चैप्टर पॉलिनोमियल है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दैट मीन्स व्हाट, 5x + 3 वेरिएबल और कॉन्स्टेंट तो जानते ही होंगे स्टूडेंट्स क्या होता है वेरिएबल, ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी आपके हैं अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर में, वो आपके क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। जितने भी आपके नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड क्या आपका, कॉन्स्टेंट। क्लियर स्टूडेंट, जिनका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। वेरिएबल को, ए बी सी डी को वेरिएबल क्यों बोला गया, क्योंकि उनका वैल्यू हर एक क्वेश्चन में क्या होता है, चेंज होता है, है ना स्टूडेंट्स? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। चलिए, तो ये आपका क्या 5x + 3, तो मैंने आपको क्या बताया, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट विद द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। 5 इज अ कॉन्स्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल, द साइन बिटवीन 5 एंड x इज मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के बीच का साइन क्या है, मल्टीप्लाई है। देन आफ्टर प्लस, एडिशन का साइन आया एंड आपका क्या 3। तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है स्टूडेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये था आम लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखने का तरीका, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट विद द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जो इसका बेसिक फार्मूला है, सॉरी स्टूडेंट्स, क्या इसका बेसिक जो डेफिनेशन है, जो आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिखने में काम आएगा, वो क्या है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, क्या है पॉलिनोमियल, ये एक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए जीरो, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे ए जितने भी आपको दिख रहे हैं, a1 a2 a3 a4 an, ये सारे के सारे आपके नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कांस्टेंट कहला रहा है। एंड देन x² x^3 x^n, ये सारे आपके क्या हैं, वेरिएबल पार्ट्स हैं, जिनका कि अलग अलग क्या है, डिग्री है, अलग अलग क्या है, पावर है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया स्टूडेंट्स, डिग्री किसको बोलते हैं, है ना स्टूडेंट्स? देखेंगे, सबसे पहले तो डिग्री समझना होगा कि आखिर डिग्री में क्या, तभी तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगा। डिग्री कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, जो भी आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपके पास है 5x² + 3x³ + 2x + 5, आप इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पावर x का किस में है, इसमें 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे क्या है 1, यानी क्या है आपका 3। तो ये इसका क्या कहलाएगा, डिग्री, ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या कहलाएगा, ऑफ डिग्री 3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हाईएस्ट पावर आपको डायरेक्ट दिख गया तो ठीक है, लेकिन आपको एक कंफ्यूजिंग जो है आपको पॉलिनोमियल मिलेगा जिसको डिग्री पता करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है 5x³ + 3x² + 8x, हेलो स्टूडेंट्स, अब इसको अगर आपको मान लीजिए ये आपका डिग्री था स्टूडेंट्स, ये मत समझिए कि इसके इक्वल्स टू में 3 लिखे थे, ये आपका क्या था, डिग्री था। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको इस तरह का पॉलिनोमियल मिले और पूछे कि इसका डिग्री कितना होगा, आपको मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर, हाँ आप तो आसानी से लिख दीजिएगा सर 3 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, वो नहीं होगा। क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो दिमाग में से हटा दीजिए अभी स्टूडेंट्स, कि बेस सेम तभी पावर मल्टीप्लाई होगा। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पावर, जो इस तरह का पावर आता है, उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, 2 2 = 4, यानी कि इसका जो डिग्री होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा, 4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका जो हाईएस्ट पावर हो गया वो क्या गया, 4, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा, 4। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो किसका है, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी तरह से आपके जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उन सारे का डिग्री
या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा या फिर आप किस में लिखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा। तो वही एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के साथ लिखा हुआ है, हैविंग डिफरेंट पावर ऑफ एक्स, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। एन कहने का मतलब क्या, उसका पावर। क्लियर स्टूडेंट्स, एन कहने का मतलब क्या, पावर। यहाँ पे ए वन, ए जीरो, ए टू, ये सारे के सारे आपके क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है स्टूडेंट्स, ये आपके सारे सारे क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर। और जो पावर है यानी कि डिग्री है किसका, एक्स का, यानी कि यहाँ जो एन है वो आपके हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट जो है वो निगेटिव हो सकता है, माइनस फाइव, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस एट आप लिख सकते हैं, लेकिन पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। मतलब उसका डिग्री अगर हम लोग लिख दें माइनस टू तो वो गलत हो जाएगा, वो माइनस टू नहीं होना चाहिए, वो जब भी होना चाहिए तो नॉन निगेटिव नंबर इंटीजर्स, कहने का मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरह से होने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, अब एक बात समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी कुछ इस तरह का पढ़ा था, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, ये पढ़ा था। और अभी आप पढ़ रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, इक्वेशन किसको बोलते हैं और एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन और क्या, एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स याद रखिए, इक्वेशन मीन्स वॉट, इक्वल है ना स्टूडेंट्स, करेंगे मतलब आपको कुछ ना कुछ उसका वैल्यू मिल रहा, यानी इक्वल्स टू वहाँ पे क्या है, मौजूद है, आपको सिर्फ एक सिंबल देखना है, वो क्या, अगर वहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है दैट मीन्स वो इक्वेशन कहलाएगा, अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं, 2 × L + V, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द रेक्टेंगल पेरीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपका ये क्या है, एक्सप्रेशन है, इक्वल्स टू का अगर साइन नहीं है तो ये आपका क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, दो ऐसा कंडीशन जिस समय जैसे ही आप उस एक्सप्रेशन में देखिए तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। वो कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंडीशन फर्स्ट ऑफ कंडीशन आपका ये है कि जो उसका पावर होना चाहिए वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। वेरिएबल का पावर, पहला कंडीशन कि जो वेरिएबल के जो पावर होने चाहिए मतलब ऊपर में, वो आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, दूसरा कंडीशन उस पर मतलब आपके रूट अंडर वेरिएबल नहीं होने चाहिए कहीं भी, पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होना चाहिए वो रूट अंडर नहीं होना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। ये जो आपके वेरिएबल होने चाहिए वो आपके क्या होने चाहिए, रूट अंडर नहीं होने चाहिए, मतलब रूट अंडर फाइव अगर एक्स, रूट अंडर एक्स लिखा हुआ है कहीं पे तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, आपका जो उसका पावर होना चाहिए वेरिएबल का, वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक्स का पावर माइनस फाइव लिखा हुआ है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जांपल बताएंगे अभी स्टूडेंट्स आपको, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट फोर, फोर नंबर क्या, कभी भी डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स वॉट, कि यहाँ पर आपका वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बोला था, दो कंडीशन, यहाँ पे भी दो ही कंडीशन है, बस आपके नॉलेज का लैक ऑफ नॉलेज क्या। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कैसे, देखिए अगर x का पावर माइनस फाइव है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करते थे याद होगा आपको, x का पावर माइनस फाइव दैट इज़ वन बाई वॉट x, दोनों सेम है, इसलिए मैंने दो कंडीशन के बारे में बताया, दोनों एक ही में आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों को अलग अलग क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैंने क्या बताया आपको, एक रूट में नहीं होना चाहिए और उसका पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए। आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि अगर रूट अंडर एक्स लिखा हुआ होता है तो आप क्या लिखते हैं, एक्स टू द पावर वन बाई टू लिखते हैं, ये फ्रैक्शन हो गया,
इसीलिए मैंने बोला फिर से कि ये दोनों का दोनों जो है आपका वो क्या है, एक ही कंडीशन है, बस उसको अलग अलग तरह से मैंने क्या किया, आपको रिप्रेजेंट किया, आपको याद दो ही रखना है। चलिए अब इसका एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने तो बता दिया आपको, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे एक एक करके। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपके एक्सप्रेशन में 5x² + 3x^2/3 - 5 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन किस में है आपका, आपका जो डिग्री है वो आपका क्या है, एक्स का जो पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। नेक्स्ट अगर आपका रह जाए 5√(x + 3 - 2x²) तो इसको भी हम लोग पॉलीनोमियल नहीं बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? उसी तरह से अगर 7x²-3+x²-5x ये भी अगर हो तो ये भी आपका जो है पॉलीनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर आपका है 7/(x, 5x + 2+x²) इस कंडीशन में भी आपका पॉलीनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जांपल समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, कितने तरह के टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल होते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने चार तरह का जो है पॉलीनोमियल्स पढ़ना है। क्या क्या? तो सबसे पहला होता है आपका स्टूडेंट्स लीनियर पॉलीनोमियल। देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा चीज़, है ना। ठीक उसी तरह का यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, जो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल होता है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स पॉलीनोमियल के क्या होते हैं, चार टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे क्या, लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल, है ना स्टूडेंट्स। लीनियर पॉलीनोमियल कहने का मतलब क्या होता है, वैसा पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री 1, मतलब इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1। डिग्री क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 1। अगर किसी भी पॉलीनोमियल का डिग्री 1 है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 5x + 3, हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर है डाउट। नेक्स्ट अब हम लोग दूसरा देखेंगे क्या, आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, है ना स्टूडेंट्स। इसका डिग्री क्या होता है, तो अगर किसी भी पॉलीनोमियल का डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए, किसी भी पॉलीनोमियल का डिग्री कितना हो जाए, 2, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। 5x² - 3x + 2, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड देखेंगे, वह आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों का यूज जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक पॉलीनोमियल बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में। तो क्या हो जाएगा, इसका डिग्री अगर आपका उसका 3 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। टर्म से कोई मतलब नहीं स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा टर्म किसको बोलते हैं, कोफिशियंट किसको बोलते हैं, ये समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे टर्म से कोई भी मतलब नहीं, मतलब किससे है, डिग्री से। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, 7x³ - 3x^2 + 5x - 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3, डिग्री कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब फोर्थ नंबर, ये आपका क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपका डिग्री क्या हो जाए, 4, डिग्री क्या हो जाए, 4, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। 5x² + 3x + 2, क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आपका आ गया 15x^4, इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे पावर 3 मिसिंग है, इससे कोई मतलब नहीं, हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ पे 4 है, 2 है, 1 है, है ना स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे 3 मिसिंग है तो आप क्या बोलिए, पॉलीनोमियल नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आपको हाईएस्ट डिग्री देखना, हाईएस्ट डिग्री कितना है, 4, सिंपल सी बात, ये आपका क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक बात समझिए ध्यान से, हम लोग क्या अभी बताया आपको टर्म किसको बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो टर्म होता है सेपरेटेड, जो टर्म आपका इस पॉलीनोमियल में सेपरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे, प्लस और माइनस से। दो वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन आ गया तो वो आपका दो अलग अलग टर्म में बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, यहाँ पे भी है आपका, तो ये एक टर्म, ये एक टर्म,
ये एक टर्म, बीच में माइनस है और फिर क्या है प्लस है। फिर यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स, एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म, तो इसमें कितना टर्म, दो, इसमें कितना टर्म, तीन, इसमें कितना, एक दो तीन चार, फिर इसमें कितना टर्म, वन टू थ्री फोर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इतने सारे आपके टर्म्स होते हैं, इस तरह से बोलते हैं। अब बात रहा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, कोएफिशिएंट कहने का मतलब क्या होता है, जिस किसी भी चीज़ का आपको कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे जितने भी आपके वहाँ पे वेरिएबल हो, कॉन्स्टेंट हो, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न विथ द रिक्वायर्ड टर्म्स कोएफिशिएंट, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। जैसे समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक गिवन पॉलीनोमियल 5x² + 3x + 2, अगर आपसे इस गिवन पॉलीनोमियल में पूछे कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इनसे इस स्क्वायर से सटे हुए या फिर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है, तो 5, यानी कि कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5। अगर आपके पास दे दिया गया एक्स स्क्वायर वाई 5x² + 3x - 2 और आपसे पूछा गया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, 5 है और क्या है वाई, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, यानी कितना हो गया 5। अगर आपसे y का कोएफिशिएंट पूछा गया तो y को छोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 5x². क्लियर स्टूडेंट्स, अगर 5 का ही कोएफिशिएंट पूछा जाता तो 5 को छोड़ दीजिए, बाकी आपका क्या बच गया x² y। क्लियर स्टूडेंट्स, ये कहलाता है कोएफिशिएंट। अगर मान लीजिए आपके पास हो x² - 3x³ y + 7 और आपसे यहाँ पूछा गया y का कोएफिशिएंट, तो आप क्या कीजिएगा, y का अगर आपको कोएफिशिएंट पूछा गया तो माइनस को भी लेना है आपको स्टूडेंट्स, प्लस नहीं लिखते हैं लेकिन माइनस को लेना पड़ेगा, -3x³ ही आपके क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्या इसके बाद, हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी अगर आपका पॉलीनोमियल दिया हुआ है px, तो उसका किसी भी एक गिवन पॉइंट पे वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, वैल्यू ऑफ अ गिवन पॉलीनोमियल एट अ पॉइंट कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलीनोमियल है px इज इक्वल्स टू 5x² - 3x + 2 और आपसे पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, इसका पूरे पॉलीनोमियल का वैल्यू क्या होगा जब x इज इक्वल्स टू क्या 3, तो पुट कर दीजिए p x के जगह पे क्या लिखेंगे 3, हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे x है, जिस जगह पे आपका x है वहाँ वहाँ पर आप क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा, 3² - 3 × 3 + 2। स्टूडेंट कैलकुलेशन तो आपको पता है, वह 3 3 = 9 और 9 5 = 45, -9 + 2 आप अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 47 में से 9 जाएगा आपका स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा आपका 38, ये आपका क्या हो गया वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल एट द पॉइंट 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, क्या पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वी गेट द होल वैल्यू जीरो, अगर हम लोग किसी भी वैल्यू x का पुट करें किसी भी गिवन पॉलीनोमियल में और पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उस x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जीरोज ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। ये बात और मैं समझाऊंगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक px² - 25x + 100 है ना स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू कुछ पुट करें और पूरा का पूरा हम लोग को जो सम मिल जाए वो क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, कैसे देखिए अपने मन से आप कैलकुलेट कीजिए, एक बार 1 पुट कीजिए, एक बार 2 पुट कीजिएगा, 3 पुट कीजिएगा, देखिएगा अगर जीरो आता है या नहीं आता है, मुझे पता है स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम लोग p5 पुट करें तो 5² - 25 × 5 + 100 दैट इज योर 25 - 125 + 100 गिव्स यू जीरो, आपको टोटल और टोटल वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट्स, जीरो, दैट मीन्स वॉट, 5 इज द
जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर फ्रेंड्स, ये जो है आपका क्या हो गया, जीरोस हो गया। वो आपका हम लोग क्या देखेंगे, आपको मैंने एक कोएफिशिएंट के बारे में बताया, आपको मैंने जीरोस के बारे में बताया, अब उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि आपको रिलेशन पढ़ना है, कोई भी एक आपका पॉलिनोमियल है जिसमें आपको बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा, ये जो आपका अल्फा है और बीटा है वो दोनों क्या है, जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और स्टूडेंट्स याद रखिए कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो बेसिक फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल का ये क्या है, एक आपका फॉर्म है। Where a is equals to zero is not equals to zero, आपका a जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब एक बात समझिएगा स्टूडेंट, जब आप जूनियर क्लास में पढ़ाते बनाते थे तो जब लीनियर इक्वेशन बनाते x is equals to 5 रहता था, आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा था कि जब x is equals to 5 हो तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 5 is equals to 0। उसी का यूज़ यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिए कि अगर आपका बोला गया कि अल्फा और बीटा जो है आपका क्या है, जीरोज है, दैट मीन्स वॉट कि x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। कहने का मतलब ये स्टूडेंट ध्यान समझिए, x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू क्या, बीटा। जैसे ही आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आइएगा तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू क्या, जीरो। जब ये x का वैल्यू था तो जाहिर सी बात है वो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तब। और ऐसे भी होता है, आप करके देख लीजिए, किसी पॉलीनोमियल में x का वैल्यू अगर आप 5 पुट कर रहे हैं और अगर x माइनस 5 से उसको डिवाइड कीजिए तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दैट मीन्स वॉट क्या स्टूडेंट्स, कि ये जो है आपके x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, फैक्टर होंगे किसका, पी एक्स का। तो अब कितने बार में काटेगा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना स्टूडेंट्स, 5x अगर आपके पास ये है और अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं किसे स्टूडेंट्स, तो x प्लस 5 से, तो इसको डिवाइड करने जाएं तो देखिए कितने बार लगेगा, x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 5 5x। तो स्टूडेंट ये तो पूरी तरह से कट गया। कहने का मतलब क्या कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x। और अगर आप देखिए x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 यानी x इज इक्वल्स टू क्या, माइनस 5, यानी ये जो माइनस 5 अगर आप इस पर पुट कीजिएगा तो टोटल का टोटल आपको जो सम मिलेगा क्या मिलेगा, 0। देख लीजिए करके x स्क्वायर प्लस 5x, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर 5 इंटू माइनस 5 दैट इज 25 प्लस माइनस माइनस 25 इक्वल्स टू क्या, 0। तो यही बात मैंने आपको समझाया स्टूडेंट्स कि अगर आपका अल्फा और बीटा कोई जीरोज है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पे x प्लस 5 से पूरी तरह से कट गया तो x इज इक्वल x प्लस 5 इज इक्वल टू, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 5, दैट इज नोन एज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको कैसे आगे देखते हैं। तो क्या देख रहे थे स्टूडेंट्स हम लोग, जैसे ही इसको डिवाइड किया दैट मीन्स व्हाट क्या स्टूडेंट्स, कि इस ये जो दोनों आपका है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा जो गिवन आपका पॉलिनोमियल था उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड कितने बार में करेगा क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए 8 को डिवाइड करते थे 4 से तो 2 टाइम्स कट जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या मालूम है आपको, कितने बार में कटेगा नहीं मालूम है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं जो कि क्या लेते हैं, के, कि उतने टाइम से वो क्या होगा, कटा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस क्या, बीटा है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस माइनस माइनस आपका बीटा x और फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या किए इस स्टेप में स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉमन लिए हैं, x कॉमन लिख के बाहर लिखे हैं, अंदर में बस गया अल्फा प्लस बीटा और माइनस भी कॉमन लिए थे तो इन दोनों का साइन क्या हो गया, प्लस। अगर नहीं है तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, अगर आप माइनस एक्स कॉमन लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। इसी को मैंने अरेंज करके वहाँ पे क्या किया है, लिखा है। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा।
अब दोनों के कोफिशियंट को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या के, दैट मींस व्हाट, के इक्वल्स टू ए। यहां पे एक्स का कोफिशियंट बी, यहां पे एक्स का कोफिशियंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोग इन दोनों को भी इक्वल करेंगे, कैसे, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका बी। क्लियर स्टूडेंट्स, के का वैल्यू हम लोग क्या निकाल चुके हैं, ए, तो माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी बाई ए। तो क्या है यहाँ पे हम लोग माइनस लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हाँ लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ चला आया। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया, सम ऑफ जीरोस, जो हम लोग का अल्फा और बीटा था वो क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। दैट इज ऑल्सो हम लोग इसको अगर लिख सकते हैं तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस का माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, क्योंकि बी किसका कोफिशियंट था, एक्स का, तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई ए, ए किसका कोफिशियंट था, एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां से एक हम लोग को फॉर्मूला मिल चुका है, किसका, सम ऑफ जीरोस का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो यहां पे सी है और यहां पे अल्फा बीटा के, तो अगर इन दोनों को इक्वल करें, के अल्फा बीटा इक्वल्स टू आपका क्या, सी, यहां से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई के। के का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे स्टूडेंट्स, ए, तो हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं दैट सी बाई ए। एक और फिर से हम लोग को स्टूडेंट्स यहां पे फॉर्मूला मिल गया, वो क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाई ए, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म by coefficient of x square। Clear students, यहां तक आप लोग समझ गए, तो दो फॉर्मूला मिला, एक ये और एक क्या, ये जो एक तो फॉर्म हो गया ax square plus bx plus c, उसी को मैंने दोबारा से लिखा है, और दूसरा जो फॉर्म होता है पॉलीनोमियल का वो होता है x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। ये फॉर्मूला है आपका पॉलिनोमियल्स को बनाने के लिए। कहने का मतलब क्या, अगर आपका अल्फा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप सम ऑफ द जीरोस निकालिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3 प्लस 5 व्हाट 8 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3 इंटू 5 दैट इज 15। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या 8x और अल्फा बीटा के जगह पे कितना 15, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके जितने भी बेसिक्स हैं वो मैंने आपको समझा दिया, जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, ये तो सारे बेसिक्स हैं, इससे आप रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बना लीजिएगा, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और भी बहुत सारे जो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए, डिवीजन हो गया पॉलिनोमियल का, वो मेरा आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।